कैंडिया का प्रोग्राम रखा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और फर्स्ट टाइम रखा है या फिर पहले भी कभी प्रोग्राम रखा है? सर हम सभी टीम है, हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं। डांडिया का हमारा पहला इवेंट है, वैसे हमने लास्ट में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, डांडिया तो वैसे भी देवी माँ को बहुत ही प्रिय है, सबसे प्रिय नृत्य है जो उनको बहुत अच्छा लगता है और आप उनको बहुत जरूरी मतलब आपने अभी पीछे आपने क्लब की ओर से काफी सारे जो सामाजिक कार्य हैं उनके लिए भी आपने बहुत कुछ कार्य किया है, जैसे हेल्थ रिटायर किया, उसके भी क्या कुछ सजेस्ट देना चाहेंगे आप? हम यही बोलते हैं हमारा क्लब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, जितने भी गरीब बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज हैं या जिसको भी रिक्वायरमेंट है, हमारी पूरी टीम हमेशा खड़ी रहती है। हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं, हमने लास्ट में भी सैनिटरी पैड्स दिए हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी उनको ट्रेन किया, हाइजीन वर्कशॉप लगाई, हेल्थ के बारे में बताया। आगे हम लोग और भी कैंप्स लगाने वाले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी कैंप लगाने वाले हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहेंगे और साथ साथ हम लोग सारे फेस्टिवल्स मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अभी आने वाला अगला प्रोजेक्ट क्या है, कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, अगला प्रोजेक्ट हमारा सबसे नजदीक चिल्ड्रन डे आ रहा है, तो चिल्ड्रन डे के लिए हम सारी टीम मिलकर बच्चों को बहुत सारे चॉकलेट कुकीज बैग्स बना के हम लोग देने वाले हैं और हम सबको बोलेंगे जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़े। साथ में हमारी क्लोथिंग ड्राइव स्टार्ट होने वाली है, जो विंटर्स के क्लोथ्स, ओल्ड क्लोथ्स, यूज वाले, वो हम अच्छे से क्लीन करवा के उसको देते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं, तो जिला पुलिस में ही सिर्फ करते हैं या फिर आईसीटी में जैसे पंचकूला? सर हमारे मेंबर्स जो पंचकूला में भी हैं, डकोली में भी हैं, मोहाली में भी हैं, चंडीगढ़ में भी, अभी तो लेडीज ने हमें ज्वाइन किया है, इस एरिया में हम काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर आईसीटी में टारगेट हमारा आईसीटी है। मेरे को हम सबको जितनी लेडीज को जोड़ सके मैक्सिमम सब हमारे साथ आ सके। आपकी संस्था जिस तरह से जिरकपुर में बहुत सारे आपने देखा होगा कि पटियाला चौक के आसपास में बहुत सारे स्लम एरियाज के जो नए लोग हैं वो वहाँ पर आकर के रह रहे हैं, इसके लिए कोई कदम उठाने का प्रयास आप लोगों की तरफ से? हम उनको यही बोलेंगे कि भाई आपको जितने भी स्लम एरिया के लोग वहाँ आके रह रहे हैं उन लोग को कुछ प्रोवाइड किया जाए ताकि जो उनको विंटर्स में प्रॉब्लम ना आए आगे जाए, उन लोग को दिया जाए शरीर में कुछ रहने को दिया जाए। आपके क्लब में कितने लोग हैं वैसे अभी? अभी तो हमारे जो पैनल एक्टिव लेडीज हैं वो 11 मेंबर्स हैं, हम वैसे हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते रहते हैं, मतलब वी आर मेन एक्टिव अलग अलग सोसाइटीज में काम कर रहे हैं।